चौकीदानी नहीं था, चौकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी मिस आउट किया है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर पाई हूँ तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फूडी हैं, फूड लवर हैं तो मेरे फूड चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे विज़िट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली, जैसा कि मैंने आप सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि चोखी हवेली पर मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी। आप सब सोच रहे होंगे कि चोखी हवेली क्या है, बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा। चोखी हवेली बेसिकली पूरा राजस्थान पे एक ट्रेडिशनल एरिया फिक्स्ड है, जैसे कि आप लोग का चौकीदानी होता है वैसे ये चोखी हवेली है। तो ये चोखी हवेली मैंने नोएडा में विज़िट की थी। नोएडा में आपने शिव घाट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर लोग उसे नोएडा हाट के नाम से जानते हैं। वहाँ पे शिल्प मेला, दीप मेला, फिर आपका रोज़गार मेला, काफ़ी सारे मेला ऑर्गेनाइज होते हैं। उसी के जस्ट बगल में आपका है ये चोखी हवेली। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा, तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चोखी हवेली में आपका एंट्रेंस टिकट होता है जो कि पर पर्सन 500 रुपीज़ है, लेकिन आई कैन बेट यू ये वीडियो देखने के बाद आपको वो काफ़ी वर्थ लगने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये अपना चोखी हवेली का ब्लॉग। तो ये है चोखी हवेली की मेन एंट्रेंस, यहीं से आपका पूरा अंदर का शुरू होता है। यहाँ पे आपको कैमल राइड भी मिल जाएगी, यहाँ पे ढोल वाले भी हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहीं से जैसे आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले आता है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स वाले। उसके बाद ही यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको लाख की बैंगल्स भी मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं पूरा जो डेकोरेशन है ये पूरा एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी डेकोरेशन इन लोगों ने कर रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लाख की बैंगल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे ये मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको फेस रीडर से लेके आपका हैंड रीडर भी मिल जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत उनका सही लगा था। लेट्स सी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप यहाँ पर विज़िट करते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी गेमिंग एक्टिविटीज़ भी दिख जाएंगी। आप यहाँ पे इनसे डिमांड करके अपना कोई भी गाना प्ले करवा सकते हैं, ये काफ़ी फ्रेंडली है, ये आपका प्ले कर देंगे। ये सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, ये मॉडर्न गाने भी ट्रेडिशनल वे में गाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। साथ ही में यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी भी मिल जाएगी, ये भी आपके उसी 500 में कवर होता है। मेरे नेल्स थे तो मुझसे इतना ईजिली बन नहीं रहा था, लेकिन ये जो थे ये काफ़ी फ्रेंडली थे तो इन्होंने मेरे को बना के दिया था। आप चाहें तो इसे घर भी लेके जा सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते।
वीडियो बनाई है, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है, फिर उसे देखना बिल्कुल नहीं है। हमने रखा है, आप कौन सा भी नंबर रखो हमको नहीं दिखाना, हम बिगड़ देके आपका नंबर बता देंगे। आप बता दोगे? हवेली पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप चौकी हवेली जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपका टमी जो हो वो खाली ही हो, क्योंकि वहाँ पे जो राजस्थानी थाली आपको मिलती है वो 500 रुपीज़ में अनलिमिटेड फूड है, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो खाते खाते ही आप थक जाते हैं। फूड वेस्टेज ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपका एक्सपीरियंस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपका ये वीडियो देखने का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपना अगर जगह आप विज़िट करेंगे वहाँ पे तो भी आप मुझे वहाँ से आके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।